हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकी वाफ्रीडी। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों, क्या इस तरह की पिटाई होता है इन ओपन रैली में। तो क्या इस तरह से आप लोगों को इंडियन आर्मी के जो जवान होता है ना डिफेंस की, वो लोग इस तरह से बच्चों को पिटाई करता है। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इस तरह की पिटाई होता है। तो दोस्तों क्यों इस तरह से पिटाई करते हैं, क्यों इस तरह से पिटाई करना पड़ता है, मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो जो बंदा रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए गया है, उन लोगों को पता होगा किस लिए ये पिटाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इसीलिए पिटाई करता है ना दोस्तों। इस तरह की माहौल हमेशा टेरिटोरियल आर्मी में होता है दोस्तों, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी ऐसा डिफेंस होता है दोस्तों, उसमें अप्लाई पहली बात आप लोगों को अप्लाई करना नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात उसमें एज लिमिट 18 से लेके 42 की बीच में है, तो बहुत एज से बच्चे भी उसमें आ सकते हैं उस रैली में। 18 से 42 प्लस ऑनलाइन करना नहीं पड़ता है, इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी में रैली में बहुत सारे ज़्यादा बंदे आते हैं। आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, लगभग 50 से 60 तक बंदे आता है। ठीक है, वो इतना बंदे, और जो जवान होता है उधर जो ड्यूटी में रहता है ना, उधर लगभग 100 होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा जो ड्यूटी में होता है। तो एक 100 जवान और 60,000 लोगों को संभालना होता है, तो किस तरह से संभालेगा। तो इस तरह के माहौल में क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, जो ये रैली में आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, जो भागने के लिए आते हैं ना, वो इधर उधर भागते रहते हैं, उधर उधर घूमते रहते हैं। इसीलिए उन लोगों की तरह जो डिसिप्लिन में नहीं होता है, इसीलिए जो ड्यूटी में रहता है ना, वो लोग पिटाई करते हैं दोस्तों। पिटाई ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जो उन लोगों को जो रैली में जो आप लोगों को जो आता है, जो उन लोगों को ड्यूटी में देता है ना, उन लोगों को किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट को टच करने का भी परमिशन नहीं होता है। एक पीटने का तो दूर की बात है, टच करने का भी परमिशन नहीं होता। तो वो लोग किस तरह से आप लोगों को संभालेगा इतने सारे बंदों को। तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, एक बैट ले लेता है, बैट लेके किसी की बॉडी में टच नहीं करता है दोस्तों। अगर आप लोगों ने रैली में पार्टिसिपेट किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, किसी को पिटाई आपको हार्ड कोई बॉडी में पिटाई नहीं करता दोस्तों। जो बैग लेके जाते हैं ना, जो बच्चे बैग वगैरह लेके जाते हैं, जो पीठ में जो बैग दिखाई दे रहा है ना, सभी बच्चे एक एक बैग तो जरूर लेते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह से बेकाबू हो जाते हैं। आप लोग देखिए दोस्तों, जब बहुत सारे ज़्यादा बंदे आ जाते हैं ना, तो लाइन में नहीं खड़े होते, जो इधर उधर घूमता रहता है, इसीलिए वो भगाते रहते हैं। पिटाई करने के लिए दौड़ाता है, लेकिन पिटाई नहीं करता है। जो बैग होता है ना, वो बैग में मारते हैं, ठीक है, बॉडी में नहीं मारते। ठीक है, कोई भी जवान बॉडी में नहीं मारते हैं, मारने का थोड़ा डराते हैं, ऐसा मारूंगा ऐसा डराते हैं, लेकिन कोई भी बच्चे को नहीं मारते दोस्तों, उसके बैग में मारते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग नया है, नया कैंडिडेट्स हो, तो अगर आप रैली में जाना चाहते हो ना, तो अगर रैली में आप जा रहे हो, तो इस तरह से इधर उधर मत घूमो दोस्तों, पूरा डिसिप्लिन से जो लाइन जो बनता है ना, उस लाइन में जाके पूरा बैठ जाना है। ठीक है, इधर उधर घूमना नहीं है, क्योंकि इधर उधर घूमने से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, इसकी वजह से वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को पिटाई करना शुरू करते हैं। लेकिन पिटाई आप लोगों को बॉडी में नहीं करता है, फिर भी आप लोगों को सहायता करना सही है, क्योंकि सहायता अगर नहीं करोगे, इतने सारे 100 ड्यूटी में होता है, 100 जवान, इतने सारे लोगों को किस तरह से संभालेगा, आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों। इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं, जो भी कैंडिडेट्स नया जाएगा, रैली में जाएगा, कोई भी रैली हो, ऐसा तो माहौल ज़्यादातर आप टेरिटोरियल आर्मी में देखने को मिलेगा, इस तरह के माहौल, जब बहुत सारा ज़्यादा बंदे आते हैं ना, तो बेकाबू ज़्यादा होता है, इसी की वजह से इस तरह की माहौल बनता है। ठीक है दोस्तों, इधर ऐसे पिटाई करते हैं, दौड़ाता है, इधर से भागना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप नया कैंडिडेट्स हो, तो आप पूरे आके पूरा जो लाइन बनेगा ना दोस्तों, जहाँ बैठने के लिए बोलेगा, सीधा जाके उधर बैठना होता है, पूरा आप बैठ जाओ, पूरा रिलैक्स हो जाओगे, तो इधर उधर घूमने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों, आपका पैर दर्द होगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आप कोई भी रैली में जा रहे हो ना दोस्तों, तो आप लोगों को लाइन में जाके सिर्फ बैठ जाना है। ठीक है, स्टेमिना भी आपका बर्बाद नहीं होगा, आप लाइन में जाके बैठ जाते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को भागने को भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों एक मैंने सोचा आप लोगों को एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दो,
तो दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले भी सोचा था, लेकिन दोस्तों वो अलग था। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ इसके बारे में, जो नया कैंडिडेट्स होगा उन लोगों को पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों जो नया कैंडिडेट्स है उसके जो दोस्त वगैरह भी नहीं होता जिसको वो पूछ सकते अच्छी तरह से, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मदद हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों मेरा जो यूट्यूब चैनल है, दोस्तों मेरा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो मैं खुद रेले की ग्राउंड में जाकर वीडियो करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी आप लोगों की तरह एक कैंडिडेट हूँ इसीलिए। दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, वही मुझे चाहिए। ये है मैं हूँ रेकी वाफेडी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।